ये हमारा लोड सर्किट है, ये रूम वन का है, ये रैम रूम टू का है, ठीक है। अब रूम वन की आउटपुट यहाँ से कंट्रोल होंगी, रूम टू की आउटपुट यहाँ से कंट्रोल होंगी, सही है। ये एक मिसाल के तौर पर ये रूम वन है, ये रूम टू है। अब रूम वन के अंदर दो तरह की हमारे पास आउटपुट्स हैं, एक है विद एसी और एक है विदाउट एसी, ठीक है। अगर हम अपने रसबरी पाई से ये सेलेक्ट करेंगे कि इस बंदे को विद एसी रूम देना है, तो उसके रेट्स अलग होंगे, और जो विदाउट एसी है उसके रेट्स अलग होंगे। ये मतलब ये सारा काम प्रोग्रामिंग का है, इसका ताल्लुक हार्डवेयर से कोई नहीं है। हार्डवेयर सिर्फ आपको एलोकेट कर देगा कि इतना आप चला सकते हैं, इसे ओवर लिमिट करेगा तो आपका आउटपुट बन जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपके पास जो पासवर्ड होगा, जो आपने कोई एंट्री वगैरह डोर लॉक जो भी रखा हुआ है, उस हिसाब से आपकी यहाँ से एंट्री हो जाएगी। एक डोर लॉक इधर आएगा, एक इधर आएगा, हाँ सही है, ठीक है। और ये आपके कुछ बटन से, सही, ये किसी से, ये मेरा ख्याल है कोई वो आउटपुट ऑन ऑफ करने के लिए, कि बंदा अंदर, बंदा अंदर घर रूम के अंदर आएगा तो बटन ऑन करेगा तो आउटपुट ऑन होगी ना, सही, ठीक है। तो ये उसके लिए रखा है। कौन कौन से, पहला दूसरा तीसरा, बाद में पता चलेगा ये, बाद में जब वो कंट्रोल प्रोग्राम डल जाएगा तो आपको पता लग जाएगा ये वाला बटन किसका, ये वाला बटन किसका, ये किसका, ये किसका। और रिले वगैरह किसकी, कौन सी है ये मतलब एक, ये एक रिले जो लगी हुई है, ये लगी हुई है सेक्शन वन की, और ये लगी हुई है दूसरे सेक्शन, मतलब डोर लॉक की कौन सी है और उसकी कौन सी है, वो तो कोई बात नहीं, डिफाइन होंगी तो पता लगेगा, ऐसे पता नहीं लगेगा, ठीक है। अभी तो इसमें भी मैं, इसको भी मैं रूम वन कह सकता हूँ, इसको मैं डोर लॉक कह सकता हूँ, इसमें अभी प्रोग्राम नहीं है तो इसलिए हमें नहीं पता है कौन सी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास यूनिट्स आ रहे होंगे, ठीक है, कितनी कंजप्शन हो रही है वो आ रही होंगी, मतलब रियल टाइम डेटा यहाँ पे आ रहा होगा रूम वन के अलग, रूम टू के, हाँ। उसके बाद यहाँ से डेटा आर्डिनो उसकी तरफ जाएगा, रसबरी पाई की तरफ, रसबरी पाई तरफ सारी चीज़ें हमारी कंट्रोल हो रही होंगी, मतलब जब भी बंदा आएगा वो वहाँ से अपने आपको रजिस्टर करवाएगा, मतलब रसबरी पाई से, तो आपको रूम एलोकेट हो जाएगा। फिर आपके पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन होगी जो कि फायरबेस से कनेक्ट होगी, वहाँ पे आपके पास वो आ रहा होगा कि ये रूम इस वक्त इस बंदे को वो हो चुका है, दिया जा चुका है, मतलब सही। वहाँ पे दो फील्ड्स होंगी, एक तो नाम का होगा और ये होगा कि कितने रुपए के ऊपर पड़ रहे हैं, सही है, चार्जेस वगैरह आ रहे होंगे, हाँ। बाकी सारी जो चीज़ें बताई थी वो सारी जो उनको बताई हुई थी वो सारी उसमें आएंगे ना, आपकी जो बताई हुई थी कौन कौन सी चीज़ें, मतलब वही बताई थी, रूम कोड वगैरह बताया था, बिलिंग बताई थी, बिलिंग होनी चाहिए, बिलिंग तो मील ऑर्डर कर सकते हैं, है? मील ऑर्डर कर सकते हैं, मील ऑर्डर मतलब वो ऑर्डर करेगा तो वो जाएगा किधर, जाएगा हमारे पास आएगा, यानी जो ओनर्स होंगे उनके पास आएगा, नहीं नहीं देखें, अच्छा इसका काम हो गया,